पकड़ा जाएगा, उस पे PSA भी लगेगा और उसको अंदर जेल में डाला। तो गारंटी करते हो, हम केस में आगे बढ़ चुके हैं पर धरपकड़ जारी है और जो भी इसमें पाया जाएगा जैसे SSP ने कहा उस पे PSA ही लगेगा, ये गारंटी है। इस बात कोई दूसरी बात है नहीं। रही बात मंदिरों की सुरक्षा की, उसके बारे में मैंने अपने जितने भी स्टाफ हैं फील्ड के उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक और अपडेट आ रहा है कि 3 लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया है। जी नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह हमने एक अपडेट दिया था रियासी के अंदर जो शिव मंदिर का को तोड़फोड़ की गई थी चर अनासर पसंदों की तरफ से, उस सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अभी मजीद 3 लोगों को फिर से हिरासत में लिया गया है। जी नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि रियासी के अंदर दरमाड़ी में शिव मंदिर को शर अनासर पसंदों की वजह से तोड़फोड़ की गई थी, उसके नतीजे में आज जो है शटडाउन का जो हिंदू सभा है शटडाउन का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने मुजाहिरा भी किया, एहतजाज भी किया और वहां के जो हिंदू मजहब के लोग हैं उन्होंने भी इसकी मजम्मत की। अभी जो अपडेट आया है कि कुल जो लोग हैं वो 15 हिरासत में लिए गए हैं, जिसमें इसमें मजीद तहकीक और भी जारी है। मैं आपको बताता चलूं कि रियासी के अंदर जो शिव मंदिर के जो तोड़फोड़ की गई थी उसके नतीजे में कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी तक जो हमने सुबह अपडेट दिया था उसमें 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है था, अभी 3 लोगों को फिर से हिरासत में लिया गया है। और एक बड़ी अपडेट भी आ रही है, जो गवर्नमेंट है उसने एक ऑर्डर निकाला है, एक आदेश जारी किया है कि जितने भी मंदिर होंगे, जितने भी इबादतगाह होंगे, वहां पे अब CC फुटेज जो कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे और एक कमेटी गठन की जाएगी जो उसकी देखरेख करेगी, किस मंदिर पे किस जगह कौन सा वहां पे पुजारी है, कौन सा पंडित जी वहां पे होता है। और ये एक ऑर्डर जो बताया गया है DC रियासी की तरफ से कि हर मंदिर के अंदर अभी जो आदेश निकाले गए हैं कि जितने भी मंदिर है वहां पे CC फुटेज को लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। जी नाज़रीन, ये एक अहम अपडेट है कि आज एक शटडाउन भी मनाया गया जिसके नतीजे में अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि 15 लोगों को अभी तक इस मामले में हिरासत में लिया गया है और इसमें अभी भी जो जानकारी है तहकीक है वो जारी, उस पे PSA भी लगेगा और उसको अंदर जेल में डाला जाएगा। इसी के साथ साथ आपके बाकी जितने भी मंदिर हैं उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे, छोटे बड़े सभी मंदिर, और ये पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरह वहाँ पे हर मंदिर में एक CCTV कैमरा लगाया गया। ये ऑर्डर्स भी इशू कर दिए गए हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा काम करने की जरूरत भी करता है उसको 100 बारी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो CCTV की निगरानी में होगा। जहाँ तक बसरनाग यात्रा की बात है, उसके इंतजाम, उसकी सुरक्षा के इंतजाम वो अभी से शुरू हो चुके हैं और वो कौसरनाग यात्रा जो है हर साल की तरह इस बार भी पूरे धूमधाम से जाएगी और बिल्कुल सुरक्षित जाएगी। जो आप शिवखोड़ी की यात्रा का और वो जो बस पे जो उन आतंकियों ने उन शिवखोड़ी यात्रियों को जो मारा और ये हरकत करी, उसके अंदर आप सभी जानते हैं कि मिलिटेंट को पनाह देने वाला और उनको खाना खिलाने वाला उसको तो गिरफ्तार करा जा चुका है। और जहाँ तक ये मिलिटेंट्स की बात है उस पे भी हम लगे हुए हैं, जिस दिन हमारे हाथ में आएंगे तो सिर्फ उनका खात्मा किया जाएगा।